सभी डियर साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। और ये जितने भी आज हम प्रश्न डिस्कस करेंगे, ये राजन सीरीज से डिस्कस करेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। हिंदी जो सब्जेक्ट होता है यह 25 नंबर का होता है, जिसमें से 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस क्लासेस की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 3 बजे। इसके पहले हमने आप सभी को सामाजिक अध्ययन की क्लासेस प्रोवाइड किया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी को वीडियो का लिंक जो है वो कमेंट्स बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है कि निम्न का संक्षिप्त परिचय दीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में लेखक जो है उनके जीवनी से रिलेटेड उनकी जो कृतियां है उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो ये जो पहला प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, निम्न का संक्षिप्त परिचय यानी सूरदास, तुलसीदास, कबीर और बिहारी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इन चारों का पूछ दे कि निम्न का संक्षिप्त परिचय दीजिए, सूरदास का भी पूछ दे, तुलसीदास का भी पूछ दे, कबीर का भी पूछ दे, बिहारी का। ऐसा नहीं है, यहाँ केवल और केवल अगर एग्जाम में पूछेगा तो किसी एक कवि के बारे में पूछेगा, न कि इन चारों के। ये इसमें इसलिए दिया गया है क्योंकि एक ही प्रश्न में आपके चार जो कवि हैं उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूरदास के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, सूरदास जी जो हैं वो सूरदास कृष्ण भक्ति हेतु अत्यधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, कृष्ण भक्ति के लिए प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि जो सूरदास है वो किसके भक्ति के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं, तो कृष्ण की भक्ति के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1535 संवत में हुआ था। सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आगरा के निकट रुनुक्ता नामक ग्राम में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी जो थे वो जन्म से ही क्या थे, अंधे थे। और सूरदास का निधन जो था वो 1640 यानी संवत 1640 ईस्वी में हुआ। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी और सूर सरावली, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सूरदास से रिलेटेड इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। पहला प्रश्न ये कि सूरदास किसके भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, तो कृष्ण भक्ति के लिए। सूरदास जी का जन्म कब हुआ, तो संवत 1535 में सूरदास जी का जन्म हुआ था। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सूरदास का जन्म आगरा के निकट रुनुक्ता नामक ग्राम में हुआ था। और ये मतलब सूरदास जी कैसे थे, तो वो जन्म से ही मतलब ऐसा माना जाता है कि वो जन्म से ही क्या थे, अंधे थे। और सूरदास जी की मृत्यु कब हुई, तो यहाँ पे 1640 ईस्वी में सूरदास की यानी संवत 1640 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, जिनमें इनके प्रमुख रचनाएं जो है सूर सागर, ठीक है, सूर पचीसी, सूर सरावली और साहित्य लहरी। आई होप कि आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद देखिए, तुलसीदास से रिलेटेड, तो तुलसीदास जी हैं गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य में वह स्थान प्राप्त हुआ है जो स्थान संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि एवं वेद व्यास को प्राप्त हुआ था। तुलसीदास के जन्म के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि तुलसीदास के जन्म में एक दोहा बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध है, वह दोहा लिखिए। तो ये आप याद कर लीजिएगा, संबत 1500 विषे तरनी तनुजा तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। यानी ये इनके जन्म से रिलेटेड, यानी इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो तुलसीदास का जन्म सन 1154 ईस्वी में हुआ था। और रत्नावली नाम की महिला से इनका विवाह हुआ था और ये राम भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, अभी जो सूरदास जी थे वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन जो तुलसीदास हैं वो क्या है, राम भक्ति के लिए। और आई होप कि आपको ये याद भी होगा, राम भक्ति के लिए, क्योंकि रामचरित्रमानस हो गया, ठीक है, ये सब
तुलसीदास ने ही लिखा है। तो इस तरीके से ये जो है ये राम भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। और तुलसीदास जी का जो मृत्यु हुआ वो 1640 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, यानी 1154 में इनका जन्म हुआ था और 1640 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। अब इनकी रचनाएं आप देख सकते हैं, रचनाएं रामचरितमानस, और देखिए इनकी जन्म हो गया मृत्यु, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट पाए जाते हैं, तो एग्ज़ाम में इतना ये नहीं पूछता है, इनकी कृतियां ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए कृतियां बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृतियां इनका रामचरितमानस, जो कि अभी मैंने आप सभी को बताया, विनय पत्रिका ये तुलसीदास का ही है। बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज कभी कभी विनय पत्रिका को देखकर सूरदास लगा देते हैं, बट ये गलत हो जाएगा। जो विनय पत्रिका है, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, लास्ट में वली वली वली, और जो सूरदास का है ना वो स्टार्टिंग में सूर ऐड हो जाता है, जैसे सूर सरावली, सूर पचीसी, सूर सागर, ये सूरदास के हैं। बट अगर अगर हम कहें यहाँ पे अगर तुलसीदास का याद करना है तो लास्ट में वली वली ऐड हो जाता है। तो रामचरितमानस, ठीक है, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली और भी बहुत सारे हैं, बट ये महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ कबीर, तो कबीर से रिलेटेड हिंदी भक्ति में काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1455 और वाराणसी, यानी जिसे हम बनारस भी कहते हैं। कबीरदास जी का पालन पोषण जुल्हा दंपति नीरू और नीमा ने किया था, ठीक है, और इस दंपति ने कबीर जी को लहर तारा नामक तालाब के किनारे पाया था, और कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था, तथा इनके पुत्र थे और एक पुत्री जिनका नाम कमाल एवं कमाली, ठीक है, और जो कबीर थे वो अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी देखिए अनपढ़ थे, और हम लोग आज क्या कर रहे हैं, इनको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं इनके बारे में क्या कुछ हुआ, इनके हिस्ट्री को हम देख रहे हैं, यानी अनपढ़ थे फिर भी प्रसिद्ध, तो आप खुद देख लीजिए। और इनके इस कथन से स्पष्ट होता है कि देखिए मसी कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ, यानी इन्होंने कभी कागज को भी नहीं छुआ और कलम को भी नहीं छुआ, तो 100% तय है कि ये क्या है, अनपढ़ है। कबीर जी समाज सुधारक कवि थे, उनका संबत 1575 मगहर में देवासन हो गया, यानी इनका 1575 में इनका मृत्यु हो गया, 1455 संबत 1455 ईस्वी में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया था, और इनको कहाँ प्राप्त किया था कबीर जी को, तो लहर तारा नामक तालाब में नीरू और नीमा नामक जो दंपत थे कबीरदास जी को प्राप्त किए, और कबीर जी का जो शादी हुआ था, विवाह हुआ था, वो लोई नामक महिला से हुआ था, इनके दो पुत्र और पुत्र और एक पुत्री थी जिनका नाम कमाल और कमाली था, ठीक है, और ये अनपढ़ थे, और इनका ये जो मसी कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ, तो ये भी याद कर लीजिएगा। और इनकी जो मृत्यु 1575 ईस्वी में हो गई थी, कहाँ, तो मगहर में। और इनकी जो रचनाएं हैं, जो कि बीजक जिसमें आपके साखी सबद रैमनी ये तीनों ही आ जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए घ है बिहारी, तो जो बिहारी है वो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। बिहारी ने अपनी रचना में इतिहास पुरुष महाराज जय सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला है, जिसका प्रभाव राजा जय सिंह पर बहुत ज्यादा पड़ा। अपने दरबार में उन्हें बुलाकर सम्मानपूर्ण स्थान दिया। तो कभी भी अगर बिहारी से रिलेटेड आए तो ये याद रख लीजिएगा कि ये राजा जय सिंह के बारे में इन्होंने लिखा था, और ये जो इन्होंने लिखा था वो राजा जय सिंह पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा, इसके कारण बिहारी जी को राजा जय सिंह ने बहुत ही ज्यादा उनको सम्मानपूर्ण स्थान दिया, और 1663 ईस्वी में बिहारी जी जो थे उनका मृत्यु हो गया। तो इनकी एक रचना है जिसका नाम है बिहारी ससई, तो नाम से ही ऐड है, ठीक है, लिंक है, आसानी साथ याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर सेकंड है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल और महादेवी वर्मा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, और 100% तय है कि आप सभी के एग्जाम में इन सभी टॉपिक जो भी हैं, क्योंकि पहला जो आपका चैप्टर है ये लेखक और कवि से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती और रामचंद्र शुक्ल और महादेवी वर्मा के बारे में आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन
कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो हुआ था ये 27 नवंबर 1907 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। और आपका इनका यानी इनका साहित्य में योगदान जो है अस्मरणीय है। और आपकी काव्य यानी इनकी काव्य आत्मकथा से संबंधित और अनेक रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में मधुशाला जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मधुशाला, मधुकलश, नीसा, एकांत संगत संगीत, सत रंगड़ी, क्या भूलू क्या याद करूँ, आई होप कि आपको याद भी होगा, आदि रचनाएं विश्व प्रसिद्ध है। और इनका जो मृत्यु हो गया ये 2003 में मुंबई में हुआ था। और आई होप कि आपको पता भी होगा कि हरिवंश राय बच्चन कौन है। ठीक है, तो इस तरीके से हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो हुआ था 27 नवंबर 1907 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। और इनका साहित्य में योगदान जो है बहुत ही ज़्यादा है। और इनकी काव्य और आत्मकथा संबंधित बहुत ही, जिसमें मधुशाला, मधुकलश, निशा, एकांत संगीत, सतरंगड़ी, क्या भूलू क्या याद करूं, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और इनका जो मृत्यु हो गया वो 2003 में हुआ। कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ। उसके बाद देखिए धर्मवीर भारती, तो धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था। और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में MAD फिल करने के बाद वहीं हिंदी विभाग में प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुए। फिर धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक होकर मुंबई चले गए। तो धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन है, तो धर्मवीर भारती है। और धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। नई कविता के श्रेष्ठ कवि कौन है, तो धर्मवीर भारती। इसके अलावा ये उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार भी है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए धर्मवीर भारती जो कि एक उपन्यासकार भी है, कहानीकार भी है, निबंधकार भी है। इनका निधन जो हुआ ये 1989 में हो गया था। इनकी रचनाएं जो है अंधायुग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, गुल की बंद गली का आखिरी मकान, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंधायुग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, गुल की बंद गली का आखिरी मकान। उसके बाद देखिए गौ है रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ था बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। और ये 1884 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और आचार्य जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। शुक्ल जी ने मनोविज्ञान के विषयों को लेकर श्रेष्ठ निबंधों की रचना की है, जिनमें निबंध के विषय में विवेचन के साथ ही अपने व्यक्तित्व की छाप रहती थी। ठीक है, और तर्क वितर्क, भाव एवं विचार, मनोविज्ञान एवं साहित्य शास्त्र का संतुलन, तो इतना ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इनकी रचना याद कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी ही कृतियां है। जायसी ग्रंथावली इनकी ही कृतियां है। तुलसीदास जो है इनकी ही कृतियां है। चिंतामणि हो गया इनकी ही कृतियां है। नागरी पचराड़ी जो पत्रिका है ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। देखिए महादेवी वर्मा, ये तो अगर हम कहें ना तो कभी भी आपको इनसे रिलेटेड जो भी रचनाएं हैं ये नहीं भूलना चाहिए। तो महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था 1907 में फरुखाबाद में हुआ था। और इनके पिता का नाम जो था श्री गोविंद प्रसाद एवं माता का नाम हेम रानी वर्मा था। अपनी माता हिंदी की विदुषी महिला थी और सरल स्वभाव की थी। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों में योगदान दिया था। अपने प्रारंभिक शिक्षा जो था वो मध्य प्रदेश में इंदौर से प्राप्त, उच्च शिक्षा जो था वो प्रयागराज से पूर्ण की। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है किनको उत्तर प्रदेश की तरफ से भारत भारती पुरस्कार दिया गया, तो महादेवी वर्मा को। और राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री की उपाधि से भी महादेवी वर्मा को विभूषित किया गया है। और इनका जो देहावसान हो गया ये 1987 ईस्वी में प्रयाग में हो गया था। इनकी रचनाएं जो है स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पद के साथी, मेरा परिवार, चांद पत्रिका, दीप शिखा, यमा, यमा जो है ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यमा हो गया, रश्मि हो गया, यानी चांद पत्रिका, परिवार, स्मृति की रेखाएं, ठीक है, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, ये जितने भी हैं ये महादेवी वर्मा के हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण
जितने भी कवि हैं, लेखक है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है सिर्फ और सिर्फ आप उसी को याद कीजिए और इतना ही एग्जाम में आएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा याद करने से जो भी आप शुरुआत में डिस्कस किए वो भूल जाएंगे। तो अब अभी देखिए, आपने पढ़ा समझा और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल शुरुआत से फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए ताकि एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप ये सोच के रहने दो कि चलो बाद में याद कर लेंगे, नहीं। लेकिन आपको अभी आपको खुद से प्रश्न करके पूछना है कि क्या हमें याद हो गया है या नहीं। अगर नहीं याद हुआ है तो आप फिर से स्टार्टिंग से एक बार स्टार्ट कीजिए और बहुत ही अच्छे ढंग से फिर से एक बार देख लीजिए, 100% याद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली सरण गुप्त, हरिश्चंद्र, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं 5 बजे वाली संस्कृत की क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, एंड वीडियो को साथ में लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कीजिए। और आप सभी को डेली क्लासेस अब टाइम पे प्रोवाइड की जाएंगी। सो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।